दिल्ली की एक ऐसी कॉलोनी जो पूरी तरह से विकसित है और डीडीए की पास लिस्ट में 439 नंबर पे और 1430 नंबर पर आती है। भाग्य विहार रानीखेड़ा के नाम से ये कॉलोनी, देखिए इसमें आज प्रॉपर्टी। नमस्कार, स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आपके अपने चैनल कंट्री ब्लॉग पे। और प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भाई बरसात का मौसम था और कॉलोनी भी अंडर डेवलप थी और डेवलपमेंट चल रहा था। हालांकि बहुत सारे हिस्से पे काम हो चुका है, फिर भी 10-15% ऐसा हिस्सा है जहाँ काम नहीं हुआ। एक बार आप जो है कि अब इस लोकेशन को देखिए, मंगल बाजार को आपने पहले भी देखा है और एक बार और देखिए। मैं सर से कहूँगा कि एक बार पूरा 360 व्यू ले लें, चारों तरफ के रोड आप जो है कि दिखा दें ताकि पता चले कि यहाँ किस प्रकार से डेवलपमेंट हो गया है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ऑलरेडी दुनिया भर की दुकानें भी बनी हुई हैं, कमर्शियल एक्टिविटी है। और यहाँ पे क्योंकि मंगलवार को बाज़ार भी लगता है तो ये पूरा जो है कि आप देख सकते हैं पीछे बाज़ार लग रहा है और जैसे जैसे शाम होती जाएगी वैसे वैसे भीड़ होती जाएगी। तो इस मंगल बाज़ार चौक से ही मात्र मेरे ख्याल से 1, 2, 3, 4, 8, 10 दुकानें छोड़ के हमारा प्लॉट है और दुकान के मतलब का प्लॉट है। प्यारे मित्रों, आज की इस महंगाई में प्लॉट खरीदना और वो भी कमर्शियल प्लॉट खरीदना जिसमें दुकान मकान दोनों बनाए जा सकें बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि बहुत कम बजट में ये सब चीज़ें नहीं मिलती हैं। लेकिन आप देख सकते हैं कि चारों तरफ यहाँ दुकानें बनी पड़ी हैं, भीड़ भाड़ वाला एरिया है, बाज़ार लगे चाहे ना लगे यहाँ पे शाम को सुबह काफ़ी अच्छा माहौल रहता है। पब्लिक आबादी पूरी बसी हुई है और इसी आबादी के बीचों बीच, इसी रोड पे बीचों बीच जो है कि हम आपके लिए कमर्शियल प्लॉट लेके आए हैं। 29.25 गज का प्लॉट है जिसमें आप नीचे दुकान ऊपर मकान बना सकते हैं। मैं पहले क्लियर कर दूं कि ये जिनका बजट 15 लाख से नीचे का है ये उनके लिए है। तो ऐसे हमारे भाई बंधु जिन जो छोटे से बजट में दुकान मकान दोनों करना चाहते हैं वो इस प्रॉपर्टी को ले सकते हैं। और देखिए, शिव भगवान की कृपा बरस रही है और उन्होंने चाहा तो आपको जरूर प्लॉट मिलेगा। तो मित्रों देखिए, जैसे हमने वहाँ पर मंगल बाजार चौक दिखाया आपको, वैसे ही वहाँ से बस 10 कदम की दूरी पर दूसरा चौक है। एक बार इधर दिखा दीजिए, 25 फुट का ये रोड है जो सीधा मेन रोड से आ रहा है, मुंडका कराला रोड से। एक बार लेफ्ट लेने पे, राइट लेने पे, अगर मुंडका कराला रोड की तरफ से आएंगे तो एक बार लेफ्ट लेने पे आ जाएगा। और ये जो है कि शिव मंदिर है जो मैंने आपको अभी दिखाया भी था चौक के पास। तो दोस्तों देखिए, ये 25 फुट का रोड था जो कि मेन रोड से आ रहा था और ये मंगल बाजार है, मैं बीचों बीच खड़ा हूँ। ये भी एक 25 फुट के रोड से, 25 फुट के रोड से चौराहा बन रहा है और इस कॉर्नर के एक मकान को छोड़ के दूसरा वाला हमारा प्लॉट है। जैसे कि मैंने आपको दिखाया था पीछे भी, इसमें जो है अब आधा बिक चुका है, दुकान की मतलब की चीज़ है। इसमें आप ये मान के चलिए, थोड़ा सा इधर से कवर करें सर ताकि पूरा है, इसमें इस दीवार से लेकर और लगभग जो है हमने एक तरह से आइडेंटिफाई किया था, लगभग यहाँ तक जो है 17.5 फुट का फ्रंट है। दीवार से लेकर यहाँ तक 17.5 फुट तक का फ्रंट है जहाँ एक ग्रीन बोरी लग रही है मेरे ख्याल से। इसमें से आधा 9.25x30 का साइज़ बिक चुका है और 9.25x30 का साइज़ अभी मिल जाएगा। और मैं आपको एक बात बता दूं कि देखिए, ऑलरेडी लेफ्ट में चाहे राइट में चौक दिखाइए सर, तो एक बार चौक से मुश्किल से 10 दुकान दूर है। ये मंगल बाजार चौक है जहाँ पे कैमरा भी लग रहा है सीसीटीवी का। तो चौक से 4 दुकान छोड़ के ये मंदिर आ जाता है और मंदिर से जस्ट एक प्लॉट छोड़ के दूसरा प्लॉट आपको मिलेगा। इसमें 9.25 फुट का फ्रंट है और लगभग 29.25 गज का प्लॉट है, 9.25x30 का साइज़ है। और मैं आपको जो इस दिन मैंने इसलिए चुना है कि आपको एक चीज़ पता चल जाए कि पहले बहुत कचरा था इस पर। एक बार सर दिखा दे पूरा, सीवर का काम हो गया है, आरसीसी की रोड डल चुकी है, ड्रेन सिस्टम पूरा अच्छा हो चुका है। हालांकि अगर हम मेन रोड की बात करेंगे इस तरफ जहाँ पे भाग्य विहार का मेन बस स्टैंड है, तो बिल्कुल टक्कर पे लगभग 100 मीटर में अभी काम होना है। यही रोड अभी आगे जाके सीवर नहीं डला है, आरसीसी नहीं हुई है, तो 100 मीटर के आसपास जब इस पे काम हो जाएगा तब आप डायरेक्ट यहाँ से जो है कि मेन रोड पे भाग्य विहार के मेन बस स्टैंड पे निकल सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपकी प्लॉट चाहिए तो इसके प्राइस के लिए थोड़ा सा और वेट करिए, आइए चौक पे चलते हैं फिर आपको डिटेल देते हैं। तो दोस्तों, अब बात कर लेते हैं पेपर्स की। तो देखिए, इस प्रॉपर्टी की जो पेपर है वो है GPA, जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी। और इस मंगल बाजार चौक से मेन रोड की दूरी, जो भाग्य विहार का बस स्टैंड है, उसकी दूरी है मात्र 100 मीटर की। और यहाँ से हमारे प्लॉट की दूरी है मात्र 100 फुट की। तो आपको बता दूं कि अगर आप ये प्रॉपर्टी परचेज करना चाहते हैं और चाहते हैं कि एक दुकान बन जाए और उसमें ऊपर रहने के लिए भी आपका बन जाए, तो एक छोटी सी प्रॉपर्टी है, कम बजट में है और आपके लिए बेस्ट है। तो इसका जो प्राइस रखा गया है, रखा गया है मात्र और मात्र 13.5 लाख रुपये, और उसमें भी छोटा मोटा मान सम्मान किया जाएगा। और अगर और अधिक जानकारी चाहिए, विजिट करना चाहते हैं, तो जो स्क्रीन पर नंबर्स दिए होते हैं इन पर कॉन्टैक्ट करके आप हमसे विजिट कर सकते हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद जय भारत।